वाराणसी आदर्श ब्लॉक सेवापुरी की लाभार्थी चांदनी बताती है कि कुछ दिवस पूर्व आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खगरामपुर पर उन्हें दूसरा बच्चा हुआ, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी तो सामान्य प्रसव हुआ और अब मैं और मेरा बच्चा दोनों स्वस्थ है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिसमें अच्छे पोषण के लिए आर्थिक मदद मिली। इसके अलावा उन्हें पहले बच्चे पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3 किश्तों में 5,000 रुपये और जन्य सुरक्षा योजना के तहत 1,400 रुपये का आर्थिक लाभ मिला। सेवापुरी की एक अन्य लाभार्थी किस्मा देवी ने बताया कि खगरामपुर स्वास्थ्य केंद्र पर एक महापुरुष दूसरे बच्चे को जन्म दिया, सामान्य प्रसव हुआ था तो जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है। क्षेत्र की आशा दीदी की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पर सफलतापूर्वक प्रसव कराया गया, साथ में जननी सुरक्षा योजना का लाभ भी मिला। पहले बच्चे पर PMMVY और JSY का भी लाभ मिल चुका है। वही CMO का कहना है कि घरेलू प्रसव होने पर जच्चा बच्चा की हालत बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है और उस स्थिति में अस्पताल ले जाना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकारी चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भी महिलाओं का प्रसव कराएं। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराया जाए। ज्यादातर कौन देता है, मतलब महिला मदर ही देती है? महिलाएं देती हैं, मदर हो या उनकी दादी, इस तरह से